हेलो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट क्लास का मैथ का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसके अंदर जो जो भी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए वन बाय वन इन्हें स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मेक अ ग्रुप ऑफ 10 ऑरेंजेस। 10 ऑरेंजेस की जगह कोई भी ऑरेंज की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पहला हमने एग्जाम्पल ऑरेंज का लिया है, तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें सिर्फ 10 ऑरेंजेस का ही एक ग्रुप बनाना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मेक ग्रुप ऑफ 10 टी-शर्ट्स। यहाँ पर भी हमारे पास काफी सारी टी शर्ट्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ 10 टी-शर्ट का ही अपना एक ग्रुप बनाना है। तो जैसे कि हमने वहां पर इस तरह से काउंट करा था, हम इस तरह से वर्टिकली भी काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हम इसका इस तरह से भी ग्रुप बना सकते हैं। दोनों तरीके से ही हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारा काउंटिंग फ्रॉम 10 to 20। हम देखिए यूकेजी क्लास में एलकेजी क्लास में बच्चों को जब काउंटिंग सिखाते हैं तो ऊपर टी ओ लिखा रहता है, उसके नीचे बच्चों को बताते हैं कि ओ के नीचे 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर 10 जब लिखते हैं तो टी के नीचे लिखना है, इस तरह से हम बच्चों को बताते हैं। अब इसको थोड़ा हम और एक्सपेंड करके बच्चों को यहाँ पे समझाते हैं कि ओ का मीनिंग होता है वंस, टी का मीनिंग होता है 10। वंस के नीचे जो भी हमारा यहाँ राइट हैंड पे होता है नंबर वो लिखा जाता है, और 10 के नीचे जो भी हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे नंबर होता है वो लिखा जाता है। तो जैसे कि अगर हम सबसे पहले 10 का एग्जाम्पल लें तो 0 हमारा 1 के नीचे आएगा और 1 हमारा 10 के नीचे आएगा इस तरह से। जब अगर हम 11 लिखेंगे तो 10 के नीचे भी 1 आएगा और 1 के नीचे भी 1 आएगा। 12 का एग्जाम्पल हम लें तो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से 13 का एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए यहाँ पे ओ के नीचे 3 है, तो यानी वंस के नीचे हमें 3 लिखना है और 10 के नीचे हमें 1 लिखना है। इसी तरह से बाकी सारे नंबर भी लिखे जाएंगे। जैसे मैं 20 का और बता देती हूँ आपको, 0 हमारा वंस के नीचे देखिए लिखा हुआ है, तो वंस के नीचे ही हमें यहाँ पे 0 लिखना है और 2 नंबर हमें 10 के नीचे लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, एडिशन हमने पहले चैप्टर में भी करा है। यहाँ पर 20 तक के नंबर का एडिशन आएगा, उससे पहले हमने सिर्फ 10 तक के नंबर का एडिशन करा था। 10 + 4 = 14। एडिशन आप इसका अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहें, एडिशन किस तरह से कितने मेथड से हम बच्चों को समझा सकते हैं, तो एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। 11 + 0, 0 नंबर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा नंबर चेंज नहीं होता है, हमारा आंसर 11 ही होगा। 13 + 5, आप स्टिक्स के थ्रू भी बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं, या फिर जब बड़े नंबर आने लगते हैं तो हम इस तरह से सिखाते हैं। जो बड़ा नंबर होता है 13 इन द माइंड, 5 फिंगर्स अप करवाइए बच्चों को, 13 के बाद से काउंटिंग कराना स्टार्ट कराइए, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18। 16 + 0 = 16। 10 के नंबर यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, 10 डिजिट में हमें सारे नंबर ऐड वन बाय वन करके हमें बच्चों को यहाँ पर समझाने हैं। 10 + 0 = 10, 10 + 1 = 11, 10 + 2 = 12, 10 + 3 = 13, 10 + 4 = 14। तो दो तीन मेथड हैं इसके भी, जैसे कि अगर जैसे हमें 10 + 4 करना है तो 10 के नीचे यहाँ पे 0 के नीचे हम 4 लिख के इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं कि 4 + 0 = 4 और 1 एज इट इज लिखना है, या 10 इन द माइंड, 4 फिंगर्स अप, 10 के बाद फिर 4 तक काउंटिंग करनी है, 11, 12, 13, 14 इस तरह से, या फिर स्टिक्स बना के 10 स्टिक बना ली और 4 स्टिक बना ली, सारी स्टिक काउंट करके 14। तो ये तीन मेथड है, इनमें से आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। 10 + 5 = 15, 10 + 6 = 16,
प्लस सेवन इज इक्वल टू 17, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। देखिए अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ ग्रुप ऑफ 12 एंड राइट नंबर्स। नंबर्स लिखने हैं हमें, 12 का ग्रुप बनाना है। यहाँ पे काफी सारे बर्गर दिए हुए हैं बट हमें सिर्फ 12 बर्गर काउंट करके उनका एक ग्रुप बनाना है। और 12 नंबर किस तरह से लिखा जाएगा, 2 हमारा वंस के नीचे आएगा और 10 के नीचे हमारा वन नंबर आएगा। तो यही हमें यहाँ पर बच्चों को सिखाना है। मेक अ ग्रुप ऑफ 15। इस तरह से यहाँ पे काफी सारी पेंसिल्स हैं, 15 पेंसिल्स काउंट करके उनका ग्रुप बनाएंगे। 10 के नीचे वन नंबर आएगा और वंस के नीचे 5 नंबर आएगा। टिक द ग्रुप विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट हैंड पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों को हमें काउंट करना है और देखना है जहां पर भी हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पर हमें टिक का निशान लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पुडिंग्स हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ पर हमारे पास 18 है। तो यहाँ पर 18 नंबर ऑफ पुडिंग्स हैं, यहाँ पर 21 नंबर ऑफ पुडिंग्स हैं। कौन सा नंबर ज्यादा है, 21, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। मोर देन और लेस देन वाला भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं डिटेल में। एक बार मैं यहाँ पर हल्का सा बता देती हूँ कि जो भी काउंटिंग में नंबर बाद में आता है वो आपका ज्यादा नंबर होता है, जैसे कि 18 पहले आ जाता है 21 से। इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं बड़े नंबरों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द ग्रुप विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि ये ज्यादा कैप है एज कंपेयर टू दीज कैप्स, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। राइट द मिसिंग नंबर्स। जो जो भी नंबर यहाँ पर गिवेन है वो पिंक कलर के बैकग्राउंड में है और जो नंबर हमें लिखने हैं, जो नंबर मिसिंग है वो ब्लू कलर के बैकग्राउंड में है। तो यहाँ पर हमें 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 11, 12 पहले से ही दिया हुआ है, 13, देन 14, 15 नंबर हमारे पास पहले से ही है, 16, 17, 18, 19, 20। ये पहले UKG क्लास में भी करा हुआ है बच्चों ने, बस यहाँ पर क्या है 20 तक का हमें बच्चों को रिवीजन कराना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करानी है। 16 और 18 गिवन है, इन दोनों के बीच का नंबर हमें लिखना है। 16 के बाद कौन सा नंबर आता है, 17। यहाँ पर देखिए दो नंबर मिसिंग है, 12 से पहले कौन सा नंबर आता है, 11, 12 के बाद 13। What comes after 18? यहाँ पर देखिए अब तक हम सिर्फ एक नंबर लिख रहे थे और यहाँ पर हमें एक से ज्यादा नंबर लिखना है जो मिसिंग है। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। What comes after 14? जितने भी बॉक्सेस हमें गिवन होंगे सिर्फ वहां तक के ही हमें नंबर फिल करने हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ दो बॉक्स एम्प्टी थे तो हमने इसमें लिखना था, यहाँ पर हमारे पास चार बॉक्स एम्प्टी है तो हम इनमें लिखेंगे। 14 के बाद 15, देन 16, 17, 18। What comes before 19? यहाँ पे दो नंबर लिखे हुए हैं, 19 से पहले का नंबर पूछा है सिर्फ। 19 से पहले कौन सा नंबर आता है, 18। What comes before and after 10? 10 से before कौन सा नंबर होता है, 9। 10 से after कौन सा नंबर होता है, 11। इसके भी काफी सारे मेथड्स मैंने समझाए हुए हैं, उसकी एक पूरी एक अलग से वीडियो है, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। सर्कल द बिगर नंबर। यहाँ पर हमें नंबर को कंपेयर करना है और जो भी बिगर नंबर होगा उसको सर्कल करना है। 11 और 13 है तो हमें पता है कि 13 नंबर बिगर होता है, या हम काउंटिंग के थ्रू भी देख सकते हैं, 11 नंबर पहले आता है, 13 नंबर बाद में आता है, तो 13 नंबर हमारा बिगर हो जाएगा। 1 और 9 में 9 नंबर बाद में आता है, 9 नंबर हमारा
बिगर हो जाएगा। 20 बाद में आता है 10 से, तो हमारा 20 बिगर हो जाएगा, इसको सर्कल कर देंगे। और यहाँ पर 18। अब है हमारा सर्कल द स्मॉलर नंबर। इसमें भी हमें दो नंबर दिए हुए हैं, कंपेयर करना है। जो भी छोटा नंबर है उसको हमें सर्कल करना है। छोटा नंबर हम बच्चों को इस तरह से भी समझा सकते हैं, जो भी काउंटिंग में पहले आ जाएगा वही हमारा स्मॉलर नंबर होगा। जैसे हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले ही आ गया 17 का, तो अभी हमने बोला नहीं नंबर, तो 10 हम इस तरह से सर्कल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पहले ही आ गया तो 9 को सर्कल कर दें। 1 2 2 पहले ही आ गया, इसी तरह से 12। सर्कल द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट में हमारे पास दो से ज्यादा नंबर्स गिवन होंगे, इन तीन नंबर को कंपेयर करना है। अब तक हम सिर्फ दो नंबर को कंपेयर कर रहे थे, इन तीन नंबर्स में से हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सेम तरीका जो मैंने बताया है काउंटिंग में, जो सबसे बाद में आएगा तीनों में से वो हमारा हमारा बिगेस्ट नंबर होगा। 17 18 19, तो 19 सबसे बाद में आता है, तो 19 हमारा बिगेस्ट नंबर होगा। 15 7 और 20 में कौन सा नंबर सबसे बाद में आता है? 20। इसी तरह से यहाँ पर 19। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें इसमें से स्मॉलेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट के लिए काउंटिंग में जो भी नंबर सबसे पहले आ जाएगा वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा, तीन नंबर को जो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 17 पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 पहले ही आ रहा है, बाकी नंबर हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारा 8 नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, सिंपल सिंपल, फर्स्ट क्लास में बच्चों को कराई जाती है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या दिया हुआ है। राहुल हैज 8 पेंसिल्स, यानी राहुल के पास 8 पेंसिल है। सोनू हैज 7 पेंसिल्स, सोनू के पास 7 पेंसिल है। हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टूगेदर। अगर हम दोनों की पेंसिलों को एक साथ रखते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी पेंसिल होंगी, यानी हमें क्या करना है, एडिशन करना है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राहुल हैज 8 पेंसिल्स, सोनू हैज 7 पेंसिल्स, तो टोटल पेंसिल 8 प्लस 7। यहाँ पर जो भी हमारा नंबर होगा 8 और ये 7, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 पेंसिल्स। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, रहीम हैज 8 फ्लावर्स, यानी रहीम के पास 8 फ्लावर्स हैं। ही पुट 3 फ्लावर्स इन अ वास। रहीम क्या करता है, उसमें से 3 फूलों को एक वास में रख देता है, एक गमले में रख देता है। हाउ मैनी फ्लावर्स वॉज लेफ्ट विद। अब उसके पास कितने फूल बचे हैं यह हमें बताना है। द नंबर ऑफ फ्लावर्स वॉज लेफ्ट इज इक्वल टू 8 माइनस 3। पहले उसके पास 8 फूल थे, उसमें से 3 उसने गमले में लगा दिए, तो उसके पास कितने फूल बचेंगे, 8 में से 3 को माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 5। फ्लावर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। कोई आपको क्वेरी हो वो जरूर पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।